हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ दो ऐसी कार जो सेम बजट सेगमेंट में आती है और इन दोनों कार का कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। गाइस, हम बात कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन की एंड हुंडई वेन्यू की। आज हमारे साथ है टाटा नेक्सॉन का XM वेरियंट एंड हुंडई वेन्यू का S वेरियंट। अगर इन दोनों की प्राइसिंग की बात करूँ तो नेक्सॉन XM आपको पड़ती है 8.8 लाख एक्स शोरूम, वहीं हुंडई वेन्यू S आपको मिलेगी 8.90 लाख एक्स शोरूम में। तो दोनों कार में प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं दोनों कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो टाटा नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.2 लीटर टर्बो चार्ज रेवोट्रन इंजन, वहीं वेन्यू में आपको वेन्यू का पुराना 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है। नेक्सॉन का 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन प्रोड्यूस करता है 118 bhp की पावर और 170 nm का टॉर्क, वहीं वेन्यू S का इंजन प्रोड्यूस करता है 81.80 bhp की पावर और 130 nm का टॉर्क। तो पावर फिगर के मामले में नेक्सॉन वेन्यू से काफ़ी आगे है, बिकॉज इसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। एंड ये इसका प्लस पॉइंट है, बिकॉज कोई भी कंपनी इस प्राइस रेंज में टर्बो ऑफर नहीं कर रही है। वहीं नेक्सॉन में आपको 6-speed गेयरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है और वेन्यू S में आपको 5-speed गेयरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो हम सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है माइलेज। तो नेक्सॉन आपको ऑफर करता है 13-14 की सिटी माइलेज, वहीं वेन्यू में आपको जो सिटी माइलेज है वो 14-16 के बीच में मिल जाती है। तो अगर बात करूं मैं दोनों कारों के डायमेंशन की, तो नेक्सॉन में जो आपको लेंथ मिलती है वो है 3993 mm की, वहीं वेन्यू S में जो लेंथ है वो है 3995 mm। विड्थ जो टाटा नेक्सॉन में ऑफर की जाती है वो है 1811 mm, वहीं जो विड्थ वेन्यू S में ऑफर की जाती है वो है 1770 mm। हाइट टाटा नेक्सॉन की है 1606 mm, वहीं पे आपको वेन्यू S में 1770 mm की हाइट मिलती है। अगर दोनों कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो नेक्सॉन में आपको 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वहीं हुंडई वेन्यू में आपको 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बूट स्पेस दोनों कारों का सेम है, दोनों कारों में 350 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, एंड जो काफ़ी सफिशियंट है, आप जितना मर्जी लगेज इसमें कैरी कर सकते हो। गाइस, अब बात करते हैं कार के इंटीरियर की एंड देखते हैं इन दोनों कार का इंटीरियर कैसा है। नेक्सॉन में ड्यूल शेड इंटीरियर का यूज़ किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ कार में सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है और आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलती है इस कार में। नेक्सॉन की वेट भी वेन्यू के कंपेरिजन में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। XM वेरियंट में आपको आर्म रेस्ट प्रोवाइड नहीं किए जाते और ना ही इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। ये जो सिस्टम फिट किया गया है ये आउटर मार्केट है और ऑनर ने शोरूम से कराया है। गाइस, अब बात करते हैं हुंडई वेन्यू के इंटीरियर की। इसमें आपको ड्यूल टोन में इंटीरियर देखने को मिलेगा, जो काफ़ी क्लासी लुक देता है। अगर बात की जाए इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो कंपनी ने इसमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया है, जो यही सिस्टम आपको इसके टॉप वेरियंट में भी देखने को मिलेगा। बात की जाए जो बटन्स यूज़ किए गए हैं, बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी दी गई है। साथ में इसमें आपको मैनुअल एसी प्रोवाइड होता है, बट मैनुअल एसी के बटन्स की क्वालिटी भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी गई है। ये कार आती है 5-speed ट्रांसमिशन के साथ, जो कि आपको गियरबॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको कंपनी ने सेकंड बेस मॉडल से ही आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया है। ये आर्मरेस्ट स्लाइड नहीं होता, आर्मरेस्ट फिक्स है इसका, बट और इसमें आपको एक डिसेंट स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपने जरूरी सामान कैरी कर सकते हो। इसमें आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, बट ग्लव बॉक्स का साइज डिसेंट है, ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बट इसके अलावा आपको ऊपर भी एक जगह मिल जाएगी अपना सामान कैरी करने के लिए। बात की जाए कार के स्टेयरिंग की, तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको स्टेयरिंग में ही क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, साथ में साथ आपको MID कंट्रोल करने के लिए भी बटन स्टेयरिंग में दिए गए हैं। तो गाइस, बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको फुली डिजिटल देखने को मिलेगा, जो कि मेरा बेस्ट फीचर है इस कार में। इसमें आपको टैकोमीटर ऑडोमीटर दोनों डिजिटल देखने को मिल जाएंगे। सेंटर में आपको MID की यूनिट दी गई है, तो उसमें जितनी भी कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप MID में देख सकते हो। अभी करेंटली ये कार 16.8 की एवरेज शो कर रही है, तो गाइस मेरे को तो लगता है काफ़ी अच्छी एवरेज निकाल रही है कार इस सेगमेंट में। इसी के साथ साथ गाइस आपको चारों पावर विंडो के ऑप्शन ड्राइवर सीट में मिल जाएंगे, साथ ही आपको ओवरवीएम इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलेगा, बट इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ओवरवीएम आपको इस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, अगर मैं दोनों कार के रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो नेक्सॉन में आपको एक पावरफुल इंजन मिलता है, जो कि आपको ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा पावर जनरेट करता है,
बट अगर आप कंपेयर करो बिकॉज इसका जो टर्बो है वो 2000 आरपीएम से ऊपर एक्टिवेट होता है, बट अगर आप 2000 आरपीएम के नीचे गाड़ी चला रहे हो तो आपको दोनों गाड़ी की में पावर फिगर में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों गाड़ियाँ एक डिसेंट पावर जनरेट करती है एक सर्टेन आरपीएम, बट यस जैसे ही आप नेक्सॉन में वो सर्टेन आरपीएम को हिट करते हो उसके बाद इस कार की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अलग हो जाती है। वहीं बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू में आपको एक डिसेंट इंजन मिलता है जो आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ एक अच्छी माइलेज भी निकाल के देता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेक्सॉन के जितना पंची इंजन आपको वेन्यू में मिलेगा तो ऐसा नहीं है। नेक्सॉन का इंजन वेन्यू से ज़्यादा पंची है और ज़्यादा वन टू राइड भी है, बट वेन्यू एस का ये वेरियंट इसको स्पेशल क्यों बनाता है उसके रीज़न है कि इस वेरियंट में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो नेक्सॉन के XM वेरियंट में आपको नहीं मिलते हैं। सो अगर आपको अपनी कार्स में फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो आप वेन्यू एस की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज कंपेयर टू नेक्सॉन XM मॉडल इस कार में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। सो गाइस व्हाट्स योर थॉट, आपको कौन सी कार इनमें से ज़्यादा बेहतर लगी? क्या आप वेन्यू एस वेरिएंट के साथ जाओगे जहाँ पे आपको कम प्राइस रेंज में सारे फीचर्स मिलते हैं और साथ ही साथ एक डिसेंट माइलेज भी देखने को मिलती है, या फिर आप जाओगे नेक्सॉन XM वेरियंट के साथ जहाँ पे आपको फीचर्स तो कम देखने को मिलेंगे बट एक 1.2 लीटर का टर्बोजेट इंजन देखने को मिलेगा जो कि आपको एक फन टू ड्राइव फील देगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।